अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। नॉलेज एवेन्यू में एक नई मालूमाती वीडियो के साथ मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही बेल आइकॉन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर एक है, पानी का आलमी दिन किस तारीख को मनाया जाता है। इसका जवाब है, पानी का आलमी दिन हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। आज की वीडियो का अगला सवाल है, किस मुल्क को अहरामों की सरजमीन कहा जाता है। इसका जवाब है, मिस्र को अहरामों की सरजमीन कहा जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी करने वाले तैयारे का क्या नाम था। तो इसका जवाब है, हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी करने वाले तैयारे का नाम एनोलॉगे था। अगला सवाल है, लीप ईयर कितने साल के बाद आता है। इसका जवाब है, लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आम इंसान का ब्लड प्रेशर अमूमन कितना रहता है। एक आम इंसान का ब्लड प्रेशर अमूमन कितना रहता है। इसका जवाब है, एक आम इंसान का ब्लड प्रेशर अमूमन 80 से 120 तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कैलेंडर में 355 दिनों का एक साल होता है। इसका जवाब है, कमरी कैलेंडर में 355 दिनों का एक साल होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कौन सा विटामिन सबसे पहले दरियाफ्त हुआ था। इसका जवाब है, विटामिन सी सबसे पहले दरियाफ्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म सहराई खित्ते का अहम जानवर कौन सा है। इसका जवाब है, गर्म सहराई खित्ते का अहम जानवर ऊंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीमू में कौन सा तेजाब होता है। इसका जवाब है, लीमू में सिट्रिक एसिड होता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को हिट करना हरगिज ना भूलें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।